गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ मशरूम पैरी रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, ये जो रेसिपी है बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हुई है। मैंने इसमें सिर्फ मशरूम एंड अनियंस लिए हैं और जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ और डालूंगी वो है ये धनिया कटा हुआ, ये मैंने पहले काट के रख लिया है। और ये रहे मेरे प्याज और ये मैंने इतने सारे मशरूम, क्योंकि मशरूम क्वांटिटी में बहुत कम हो जाएंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा ही काटना। एंड ऑब्वियसली मशरूम पैटी है तो आपको भर भर के डालना है मशरूम, सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। एंड यस, सो अभी मैंने ये पैन गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जो मैं डालूंगी इसके अंदर वो है ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर। एंड देन उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हो या मटर डाल सकते हो। मैं शायद मटर डालूंगी, अभी देखते हैं किस तरीके से बन रही है, डिपेंड। इसको हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको जस्ट लाइक थोड़ा सा जैसे वो पिंकिश कलर आ जाता है उतने तक होने तक हमें इसको पकाना है। मैंने इसमें मटर डाल दिए, आई डिसाइडेड टू पुट सम चीज़ इन इट, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के से, अदरवाइज मटर का टेस्ट जो है वो ओवरपावर करेगा मशरूम से, तो थोड़ा कम ही डालना। एंड अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, आप अपने हिसाब से डालो आपको कितनी मिर्ची चाहिए। एंड ये मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो। अब आप इसके अंदर ये कटे हुए मशरूम डाल दो। आप इसके अंदर नमक पहले ही डाल देना क्योंकि ये पानी छोड़ेगा मशरूम, तो पकने के साथ साथ इसका पानी भी सारा सूख जाएगा। अदरवाइज अगर आप नमक बाद में डालोगे तो आपकी पैटी हो सकता है सौगी बन जाए, सो जस्ट कीप इन माइंड। तो दिस इज सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब आप देखोगे इसका जो पूरा वाटर है मशरूम का सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मैगी की हॉट एंड सा टोमेटो केचप डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, टैंगी टेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना था। दैट्स इट, लाइक 3 टेबल स्पून आई वुड से। तो इस मिक्सचर को अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी फिलिंग कैसे करती हूँ शीट में। ओके गाइस, पैरी बनाने के लिए मैंने ये शीट ली है, ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी ली है। सो दिस इज फ्लेकी पफ पेस्ट्री, आप कोई भी ले सकते हो, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। ऑब्वियसली इसके अंदर हम फिल करेंगे, सॉरी गिरने वाला था, इसके अंदर हम फिल करेंगे मशरूम का जो मिक्सचर हमने अभी बनाया था। एंड आई एम गोइंग टू पुट मोत्सरेला चीज़ एंड ये मिल्क, हम ब्रश अप करेंगे थोड़ा सा पैटी के ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे करते हैं। सो ओके, आई विल शो यू हाउ टू मेक इट। सो इट्स लाइक दिस इज़ अ स्क्वायर शीट, अब मैं इसको चार इक्वल पार्ट्स में इसको काट लूँगी। एंड आप चाहो बड़ी बनाना चाहो तो आप दो भी बना सकते हो उसके अंदर, एंड छोटी लाइक पॉकेट साइज बनाना चाहो तो आप छोटी भी बना सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ अ ईजी वन, सो आई शो यू वन ऑफ देम हाउ टू मेक इट। सो दिस इज माई शीट, यू जस्ट गोना फिल इन द मिक्सचर, जस्ट मेक श्योर कि ऊज आउट ना हो ज़्यादा चीज़, तो आप प्रोपोर्शनेट डालो, लाइक 1.5 teaspoon of like this mixture
इतना बड़ा चम्मच लिया मैंने, तो उसके लिए बिल्कुल सही है. एंड देन यू गोना ऐड मोज़रेला चीज, आपको कैसे फोल्ड करना है जैसे हमारे इंडिया में मिलती थी ट्रायंगुलर, सो आई एम जस्ट गोना मेक इट दैट वे. सो पहले आप इसके जो एजेस हैं वो ऐसे सील कर लो. ओके, एंड आप ऐसा एक छोटा फोक ले लीजिए एंड देन इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे प्रेस करेंगे तो सब कुछ साथ में सील हो जाएगा. मेक श्योर एंड तक हो, अदरवाइज चीज वहां से बाहर आ सकती है. ओके, सो दिस इज वन पैटी डन एंड हम इसको ब्रश कर लेंगे मिल्क से. आप चाहो तो इसको ओवन में भी बना सकते हो और आप चाहो तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हो. मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी, बहुत इजीली बन जाता है. सो दिस इज जस्ट आप ब्रश कर लीजिए ऐसे मिल्क से. एयर फ्रायर में थोड़ी सी क्वांटिटी कम आती तो मैं एक दो तीन बना के उसको रख दूंगी. दैट्स इट, आपकी एक पैटी तैयार होगी. लेट्स मेक अदर्स. आप एयर फ्राई के डिस्क को ऐसे ऑयल से पहले ब्रश कर लीजिए ताकि जो पैटी वो चिपके ना. एंड एक एक करके आप अपनी पैटी, इसमें दो ही आएगी, इसका साइज बड़ा है तो मैं सिर्फ दो ही कर लूँ. एंड यू गोना प्लेस इट इन द अपने एयर फ्रायर में और इसको आप 8 से 9 मिनट तक पकाओ, आराम से अच्छी से पक जाएगी.